आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बहुत दिनों के बाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हूँ मैं अपने रामलीला स्थल राम मंदिर में। तो आज तो पूरे 9-10 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा फ़ोन की स्टोरेज ना भर जा रही है सिलाई की वीडियो की वजह से, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं। तो आज फाइनली जो नया रेस्टोरेंट पिछले दिनों दिखाया था ना मैंने 1-2 महीने पहले, उसकी आज ओपनिंग सेरेमनी है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको दिखाएंगे, देखे कैसे बन रखा है, कुछ नया लुक होगा वहाँ का, तो दिखाते हैं आपको। साथ में आ रहे हमारे ललिता दी और नेक्स्ट दो ललिता दो ललिताओं के साथ मैं भी चल दी, मैं तारा। मौसम बड़ा सुहाना है दोस्तों, तो देखिए मौसम कितना बढ़िया हो रहा है दोस्तों। और सामने है हमारी सरयू नदी, पिछले एक दिन पहले इतनी बारिश हुई थी, सरयू नदी फुल उफान पर थी। आपको हल्की सी वीडियो में दिखा दूंगी, उस दिन थोड़ी सी बनाई थी मैंने शाम को। तो ये है प्यारा सा मौसम हमारे कपकोट का। तो ये कपकोट को जोड़ने वाली मेन पुल है दोस्तों। तो यहाँ पर से इधर को भराड़ी लाइन सामा दान ऊपर की साइड जाती है, यहाँ को बागेश्वर की तरफ थोड़ी सी आगे पे है यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच गए हैं, ये है लोगो देखिए, यहाँ को ये वाला किचन वाला एरिया, यहाँ को सजावट हो रही है अभी। हेटो हिटनो हिटनो देख के आते हैं। चप्पल बाहर खोल रहे हैं क्या? तो अच्छे से सजावट कर गई है यहाँ पे पूरी। हाँ भैया हैं कुक, पूजा पाठ हो रही है यहाँ पे। मेरे सब्सक्राइबर भी मिल गया सब। आप हो? मैं आपका। अच्छा धन्यवाद। किचन एरिया में आपको दिखा के आती हूँ अभी। चलिए आपको किचन एरिया दिखाते हैं, साफ सुथरा बिल्कुल। खीर बनी है, सेवइयां बनी है, चाय अच्छा, बन रही है। और एक कॉफी मशीन है। और हमारे एक ओवन है। अच्छा यहाँ पूरे ये पिज्जा ओवन है हमारा। पिज्जा ओवन बाकी। चलो तो आपको यहाँ बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया मिलेगा स्पेशल। हाँ ऊपर देख के आते हैं। अरे बाप रे बुआ का बाहा पहला। तो पहले मैंने ये वाला दिखाया था आपको, ये अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन हो गया है। देखो पेड़ भी बनाया है इन्होंने, उस पर फूल वूल लगा रखे हैं। तो ये जो नॉर्मल सी टहनी होती है ना उस पर लगा रखे हैं, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। फोटो तो बुआ आए हैं बागेश्वर से, यहाँ ना ज़मीन में बैठ के बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बना रखा है। यहाँ पे फोटो सेशन करने के लिए है दोस्तों। अच्छे से मंत्र करना, जय हो भगवान, अच्छी उन्नति हो, अच्छी प्रगति हो, तरगति हो, बोल बोल। चिल्लो पे ये बना रखा है टायर का, टायर में। तो ये अलग अलग जगह ना ऐसे यहाँ पे सीटिंग एरिया हैं और कुछ यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बर्थडे एनिवर्सरी जो भी सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे करेंगे। और यहाँ से पूरा बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है सुंदर सा। और इससे आगे सामने हुआ बब्बी का स्टूडियो, यहाँ पे मेकअप स्टूडियो। दानू बोली तो अभी जो है हम पहले ही आ गए थे ना, अभी पंडित जी कर रहे हैं पाठ। हम ऊपर यहाँ फ़ोटो खिंचाए, बहुत सारी वीडियो बनाई, हम नीचे चलते हैं यहाँ से। वेटर मेन्यू में क्या है? मेन्यू अभी ला दो, चाय। मैं नहीं पीती हूँ चाय। तो ये बिक्की है यहाँ पे, हेल्प कर रहा है। बाकी नीचे चलते हैं फटाफट, है मैं लोन में। तभी आप यहाँ नौकरी करो, आप यहाँ नौकरी करो। घर की हुआ यहाँ आया, यहाँ खाया, यहाँ पकाया, यहाँ खाया।
या धता लोका देवी त्वं विष्णुना धता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासन्म पृथ्वी पूजा ओम ह्रीं आभासक्तये नमः ओम प्रसिद्धये नमः ओम बाराये नमः पूर्णासनाय नमः पूजा संकल्पम् ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु जो भी आ रहे हैं उद्घाटन में यहाँ पे फोटो जरूर खींच रहे हैं। तो अभी हो रहा है रिबन कट है? बधाई हो। रिबन कट होने के बाद पूजा पाठ होने के बाद हमको मिला है लड्डू नमकीन, फिर उसके बाद खीर बना है। सभी आ रहे हैं यहाँ पे बैठेंगे तो सभी हमारे कपकोट बाजार की महिलाएं खा रहे हैं चाय नमकीन लड्डू। अभी खीर आएगा थोड़ी देर में। अब वो बर्थडे और एनिवर्सरी मनाने यहीं आना, सब अपना अपना जो नहीं मनाए हैं उसने भी अपना अपना बर्थडे यहीं मनाओगे अब बड़े लोग। तो अभी सभी लोग देखने आ रहे हैं नई नई जगह। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो और अम्मा को भी। तो सुपर सुपर सोइया। तो सभी सोइये की खीर खा रही है। चलिए दोस्तों मस्त डांस भी कर लिया है, अब सभी फोटो खिंचा रहे हैं। नीचे आपको दिखाया मैंने, अभी आप ही आ रहे हैं लोग हमारे व्यापार मंडल वाले। मछली देखो दोस्तों कितने प्यारे हैं, सब सभी का कलर बहुत सुंदर सुंदर है। ये भी सुंदर है गोल्ड। तो अभी मिल रही हूँ मैं सीधे आपको, शाम को बहुत ही ज़बरदस्त झमाझम बारिश हो रही है दोस्तों। देखो कैसा माहौल है यहाँ पे और समय है ये। अभी मिल रही हूँ मैं आपको सीधे शाम को। दिन में वहाँ से आए ना हम तो बहुत गर्मी हो गई थी, उमस मतलब धूप में आए चल के, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। अभी बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है और थोड़ी मैं फ्री भी हो गई क्योंकि लाइट गई है, नहीं तो मैं अभी तक सिली रही थी। आज मैं सिल रही हूँ एक ऑर्गेंजा की खूबसूरत सी ड्रेस। तो देखो ये लंबा चौड़ा क्या बना रहे हो, इतना बड़ा ये। तो ये लेयर है फ्रॉक के नीचे से लगने वाले लेयर, तो ये बन जाएगा। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक शायद कल दिखाऊंगी, आज तो ये अधूरा ही बना है, कंप्लीट नहीं हुआ है। बीच बीच में कभी तुरपन उरपन करना हो रहा है। ये इसका नीचे का घेर है, ये घेर है, फिर इसके नीचे की लेयर है वो, तो वो बनेगी बड़ी ज़बरदस्त सी। और बस अभी मैं बस ऐसे ही यूट्यूब वगैरह देख रही थी और टाइम टाइम पे अपना ऐसे ही कर रही थी। आजकल एक दो ड्रेसें बनाई है मैंने, उसकी वीडियो मैं साइड में लगा दूंगी। वैसे तो वो नहीं हो रही है, साड़ी से ही बनाई हैं, दो ड्रेस बनाई नहीं। और उसके अलावा भी कई सारी साड़ियाँ आए हैं इस बार बहुत ज़्यादा रक्षाबंधन की वजह से, तब जाके मैं वीडियो बनाने में थोड़ा वो हो जा रही हूँ, बिजी हो जा रही हूँ, क्योंकि सिलाई की वीडियो अलग बनानी है रील। और लोग भी बोलते हैं कि लॉन्ग वीडियो बनाओ, पूरी तरह से समझाओ, ये करो करके, क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज ही फुल हो जाती है। परेशान हो गई इस फ़ोन से, हार्ड डिस्क पड़ा है मेरे पास लेकिन इस फ़ोन के स्टोरेज में हार्ड डिस्क को कैसे कनेक्ट करूँ, वो कितने बार कनेक्टर मंगा दिया, वो सही नहीं आ रहा है, दिमाग ख़राब हो गया। तो फिर मेरे स्टोरेज की वजह से ना मैं कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, आपको उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज उद्घाटन सेरेमनी और आगे पुलपार वो है, और वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, बाकी फास्ट फूड खाने वाले जो भी हैं, होम डिलीवरी जिसको करवानी है अपना घर ही, पिज्ज़ा बर्गर सभी कुछ जो भी खाना चाहते हैं
वो वहाँ पे जाके खा सकते हो, घर भी मंगवा सकते हो। बाकी घर में किसी को झंझट नहीं चाहिए बर्थडे वर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने का, तो वहाँ पे वो अच्छा सा कर रखा है, वहाँ पे आप अपने परिवार के साथ जाके मना सकते हो मस्त तरीके से। बाकी कल से मैं लगातार ब्लॉग बनाऊँगी अपने बुटीक में ही ऐसे चलते फिरते कुछ ड्रेस व्रेस बनते हुए। तो बस मिलते हैं जल्दी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।